दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज के मौसम समाचार में। दोस्तों चलिए जान लेते हैं कैसा रहेगा आज देश भर के मौसम का हाल है। वीडियो को शुरू किया जाए इससे पहले कमेंट सेक्शन में अपने जिले का नाम जरूर बताएं, साथ ही अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपको बता दें कि मौसम ने ली अंगड़ाई, गरजेंगे बादल, नवरात्र में 4 दिन बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश में नवरात्र के बीच मौसम ने एक बार फिर करवट ली है दोस्तों, जिससे यूपी में भारी बारिश होने की संभावना है। दोस्तों आने वाले 4 दिनों में बारिश हो सकती है, इसी दौरान बादल गरजने और बिजली चमकने की घटनाएं भी देखने को मिल सकती है। दोस्तों मौसम के करवट की लेने की वजह नवरात्र में भक्त को परेशानी पहुंच सकती है। दोस्तों लखनऊ मौसम केंद्र ने बताया कि 9 अक्टूबर को यूपी के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। दोस्तों वहीं 7 अक्टूबर को कहीं कहीं बादल गरजने और बिजली चमकने की भी घटनाएं सामने आएंगी। दोस्तों आपको बता दें कि देश में अलग अलग हिस्सों में अब मानसून की विदाई होने लगी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्किस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी राजस्थान में बचे हुए हिस्सों में मानसून ने विदाई कर ली है। दोस्तों इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्व राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी मानसून की वापसी देखी गई है। दोस्तों आइए जानते हैं देश भर में अब कैसा रहेगा मौसम का हाल, किन राज्यों में होगी मानसून की विदाई। दोस्तों अगले दो से तीन दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बचे हुए हिस्सों में, मध्य प्रदेश के अतिरिक्त हिस्सों में और पूर्व राजस्थान के बचे हुए हिस्सों में, गुजरात के अधिक क्षेत्रों और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिमी मानसून की निरंतरता वापसी के लिए मौसम संबंधी स्थिति अनुकूल है। दोस्तों ये व्यवस्थित वापसी मानसून जीवन चक्र का एक वरिष्ठ चरण है जो कृषि योजना और जल संसाधन प्रसाधन के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों दिल्ली के मौसम की जानकारी, दिल्ली के मौसम में से बारिश गायब नजर आ रही है। दोस्तों हालांकि मानसून की विदाई के साथ ही एक बार फिर गर्मी का दौर शुरू हो गया है। दोस्तों दिल्ली के अधिकतम तापमान में बढ़त देखी गई है दोस्तों, लेकिन न्यूनतम तापमान कम हो रहा है, यानी कि सुबह ठंड और दिन भर तेज गर्मी देखी जा रही है। दोस्तों इसके साथ ही नमी का स्तर ज्यादा होने से उमस भी बढ़ रही है। दोस्तों मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के मुताबिक दिल्ली में अभी कुछ स्थानों पर ऐसा ही मौसम रहने वाला है। दोस्तों इन राज्यों में बारिश के आसार। आपको बता दें कि मौसम विभाग के पूर्व अनुमान लगाने वाली एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक आज सिक्किम, पूर्व उत्तर भारत और गंगीय पश्चिम बंगाल में हल्के से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। दोस्तों उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ हिस्सों में और झारखंड, कोंकण और गोवा तटीय, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तो दोस्तों आप कौन से राज्य व जिले से ये वीडियो देख रहे हैं और आपके यहाँ कैसा मौसम है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।